हेलो फ्रेंड्स, होम फूड्स बाय चंचल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी घर में, वो भी बहुत आसानी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने तरबूज का छिलका ले लिया है, वाटरमेलन का, इसका ऊपर का रेड रेड हमने पूरा निकाल लिया है अच्छे से। और यहाँ पे मैंने इसे बारीक काट लिया है, इसका हम जो ऊपर का ग्रीन वाला छिलका होगा इसे छील लेंगे हम। इसे मैंने छील लिया है पूरा, फिर मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया है। मैंने सभी छिलकों को बारीक बारीक काट लिया था, आप देख सकते हैं। ऊपर हमने रेड रेड जितना हो सकता था हमने निकाल लिया है। इसी तरीके से मैं इसे भी छील लूँगी। मैंने सभी को बारीक काट लिया, आप देख सकते हैं, अच्छे से छील के। तो चलिए हम अपनी टूटी फ्रूटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में पानी गरम कर लिया है, इसमें अपनी जो हमने तरबूज को काटा था बारीक बारीक इसे डालेंगे। और इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे। इन्हें मैंने 10 मिनट हो गए उबालते हुए, आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब इन्हें हम साइड में निकाल लेते हैं गैस की फ्लेम को बंद करके। सभी को हम पानी में से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने वही कढ़ाई ले ली है, इसमें हम 1 कटोरी शक्कर डालेंगे और इसी 1 कटोरी से हम इसमें पानी डालेंगे। आप कुछ भी मापने के लिए ले सकते हैं, कटोरी, गिलास या कप, उसी कटोरी से जिससे अभी आप नाप रहे हैं कप या गिलास से उतना ही इसमें पानी डालिएगा। और हम इसे चलाते रहेंगे और शक्कर को अच्छे से हम पूरी पिघल जाने देंगे। हमारी शक्कर पूरी पिघल गई है, अब इसमें हम अपने तरबूज डालेंगे जिन्हें हमने उबाल लिया था। अब इसे हम चाशनी के साथ 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे लो फ्लेम पे। और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमारी चाशनी में उबाल आ गया, आप देख सकते हैं। हम अपनी गैस की फ्लेम को लो पे रख के इसे 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे चाशनी में, और बीच बीच में हिलाते रहेंगे इसे। हमारी टूटी फ्रूटी को पक के 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे आपको जितने कलर में बनाना है उतने इसको भाग में डिवाइड करिएगा। मैं इसे 4 भाग में डिवाइड करूँगी। चलिए इसे हम अपने कटोरियों में निकाल लेते हैं। मैंने टूटी फ्रूटी को 4 कटोरियों में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब इनमें हम फूड कलर ऐड करेंगे। आपको जो भी कलर की टूटी फ्रूटी खानी है आप वो कलर का ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे एक में ऑरेंज मिक्स कर रही हूँ। यहाँ मैंने पाउडर फूड कलर लिया है, आप चाहे तो जेल फूड कलर भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। येलो फूड कलर, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। रेड फूड कलर, इसे भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ग्रीन फूड कलर, इसे भी मिक्स कर लेंगे। हमने सभी को मिक्स कर लिया है। अब इन्हें हम 2 से 3 घंटे तक इसी तरीके से छोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसे हम सुखा लेंगे। टूटी फ्रूटी को हमने 2 घंटे रख के हो गया इसी तरीके से चाशनी में, आप देख सकते हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में फॉइल पेपर लगा लिया है। अब हम चाशनी में से टूटी फ्रूटी को निकालेंगे।
और इस तरीके से इस पर फैला देंगे। इसी तरीके से हम अपनी सभी टूटी फ्रूटी को चाशनी में से निकाल के प्लेट में फैला देंगे। टूटी फ्रूटी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, इसे मैंने दो प्लेट में निकाल लिया है जिससे आसानी से सूख जाए जल्दी। थोड़ी दूर दूर फैला दिया है मैंने, अगर हम ज़्यादा चिपका के रखेंगे तो जल्दी सूखेगी नहीं। इसे हम एक दिन के लिए अच्छे से सुखा लेंगे। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप इसे धूप में रख दीजिए, नहीं तो नॉर्मल पंखे के हवा से भी सूख जाएगा। तो इसे मैं एक दिन के लिए सुखा लूँगी। हमारी टूटी फ्रूटी बनके तैयार है, इसे मैंने एक दिन के लिए सुखा लिया था। आप देख सकते कितने अच्छे से सूख गई है, आवाज से ही पता चल रहा है कितने अच्छे से सूख गई है। इसे आप केक बनाने में यूज़ करिए या आइसक्रीम बना रहे उसमें यूज़ करिए, कुकीज़ बना रहे हैं तो आपने देखा कितना आसान था इसे बनाना। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएगा आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल होम फूड्स बाय चंचल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बेल के बटन को दबाना ना भूलेगा। थैंक यू।